जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, पूर्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डॉक्टर अविनाश चंदर, जिन्हें अक्सर स्टार न्यूज ग्लोबल से बात करते हुए उन्होंने कहा, नए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की अग्नि सीरीज के मुख्य वास्तुकार के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने पुष्टि की है कि नए टेस्ट किए गए दो फेज सॉलिड फ्यूल की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल ASBM क्षमताओं के बारे में कुछ समय के लिए क्या अनुमान लगाया गया है। जैसे यह ईंधन युक्त कनिष्ठ Agni-1P की मारक क्षमता 1000 किमी से 2000 किमी के बीच है, और उन्होंने दावा किया है कि Agni-1P जो एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के लिए जैसे बढ़ते टारगेट को मार सकते हैं, और इसे कैरियर किलर मिसाइल सिस्टम भी कहा जा सकता है। Agni-1P मिसाइल सिस्टम में री एंट्री व्हीकल पर 4 एक्टुएटेड पंखों को अक्सर डिजाइन सुविधाओं के रूप में देखा जाता था, जो वातावरण एनवायरमेंट्स में री एंट्री करते समय हाई एक्यूरेसी के साथ ऑन डिमांड मेनूरेबिलिटी गतिशीलता को टारगेट कर पाएगा। जी हाँ, मतलब ये चलते फिरते जहाजों को मार सकता है। जी हाँ, और अब यह कमोबेश पुष्टि हो गया है कि Agni-1P मिसाइल खुद को संचालित कर सकता है और हिट कर सकता है। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह धीमी गति से चलने वाले टारगेट लक्ष्य समूह के पास न केवल एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि आसपास के अन्य जहाजों को भी अपंग करने के लिए एक पर्याप्त आयुध है। साथ साथ Agni-1P एक दोहरे क्षमता वाली मिसाइल सिस्टम से है, जिसका उपयोग न्यूक्लियर या पारंपरिक हमले में जमीन और नौसैनिक लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। स्पेशल Agni-1P हिंद महासागर क्षेत्र में तेजी से लगातार आने वाले चीन सैन्य जहाजों द्वारा लाए गए संभावित जोखिमों के लिए भारत की रिएक्शन Agni-1P मिसाइल है। जी हाँ।